मैं अपने घर आराम से टीवी देख रहा था, फिर अचानक खबर आई आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। सिर में बहुत चोट आई है और वो आईसीयू में भर्ती है। मैं वहाँ गया, उसे होश आते ही मैंने पूछा, हेलमेट क्यों नहीं पहना था? वो बोला, हेलमेट नहीं है मेरे पास। मैंने पूछा, तू तो गया था मार्केट से हेलमेट लेने? वो बोला, गया था पर मोबाइल का कवर ले आया। वो है ना कि मोबाइल ना टूटे चाहे खोपड़ी टूटे। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया, जिसे पति बड़े चाप से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय राम, क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर करते हुए ही मर गए। एक परिवार में पांच बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा, कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं, रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई, जो गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई हैं। डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, भाग साले, तू आया ही यहाँ हंसाने के लिए है। पत्नी चांदनी रात में अपने पति के साथ लेटी थी। पत्नी, जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? पति, मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज अच्छी लगती है डार्लिंग। पत्नी, जैसे कि बताओ ना। पति, जैसे तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, तुम्हारी मौसी की लड़की सालू, तुम्हारी मामी की लड़की शीतल, तुम्हारी बुआ की लड़की नेहा, तुम्हारी पड़ोसी की बेटी ममता, तुम्हारी सहेली पिंकी। पति के दोनों घुटनों और जबड़े का इलाज चल रहा है। गर्लफ्रेंड रोमांटिक होकर बॉयफ्रेंड से कहती है, गर्लफ्रेंड अगर हमारी शादी होती है तो तुम सिगरेट पीना छोड़ देना। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, ड्रिंक भी। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, नाइट क्लब जाना भी। बॉयफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड, तुम और क्या छोड़ सकते हो? बॉयफ्रेंड, तुमसे शादी करने का आइडिया भी छोड़ सकता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया स्टेटस है। लड़का दोस्त से, यार मैंने अपनी प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर अपनी बहन की नई डायमंड रिंग चोरी करके गिफ्ट कर दी। दोस्त, थप्पड़ मार के, कमीने, इतनी महंगी खरीद कर दी थी मैंने तेरी बहन को। लड़का, साले मारता क्यों है? तेरे घर ही वापस गई है। मेरी तरफ से एक जनवरी न्यू ईयर के दिन आप सभी के लिए मेरे घर पर प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आपको पोहा कचौरी, चना मसाला, कढ़ाई पनीर, तंदूरी पराठा, गोभी पराठा, मलाई कोफ्ता, पनीर टिक्का, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, स्प्रिंग रोल, गुलाब जामुन, आइसक्रीम से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद। एक आदमी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे
ना दूर दूर तक कोई पीछे, और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी, तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई, तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठ कर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़कने लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई, तभी दो हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही, तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया, पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अवे साले तू बैठा कब रे इसमें, तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा हूँ। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छे टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियाँ चबा जाओ, चेक इन वाले आ गए हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब सबने पर्चियाँ चबा ली तो वो टीचर सीट पर हंसते हुए जा बैठे और बोले, कोई चेक इन वाले नहीं है, अब लिखो पेपर। शादी से पहले मेरा दोस्त स्टेटस लगाता था, शेरों का कोई ठिकाना नहीं होता, शेर पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। फिर मैंने शादी के 1 महीने बाद वीडियो कॉल लगाया, भाभी ने उठाया, मैंने, भाभी जी नमस्ते, शेर कहाँ है? भाभी बोली, वो अभी पानी भरने गए हैं। मैंने कहा, अच्छा जब आए तो बात करा देना। भाभी बोली, नहीं आज नहीं हो पाएगी बात, क्योंकि पूरे घर की सफाई भी तो करेंगे। एक बहुत मोटी औरत ने घर में चोर पकड़ लिया और उस पर बैठ गई और पति से बोली कि जाओ पुलिस को फोन करके जल्दी आओ। पति बोला, मेरी चप्पल नहीं मिल रही। चोर बोला, भाई मेरी पहन जा पर जल्दी जा। आदत अपनी खराब नहीं दोस्तों, बस जिंदगी थोड़ा रॉयल जीते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ऐसा स्टेटस लगाने वाले असल जिंदगी में तंबाकू दूसरे से मांग कर खाते हैं। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत कहती, ले जा 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिलने के बाद बोली, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे पति, पर साहब पत्नी के मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा रख के देख, माँ माँ होती है साहब। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक दिन वह किसी दूसरे शहर में चला गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चला तो डरती हुई आई और बोली, बेटा तुम ही दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो ना। आदमी बोला, लोगों की बात को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये रंग और ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माती हुई बोली, या अल्लाह लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं। एक बच्चा गायब हो गया, किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया कि बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज 1 साल हो गया और उसका फोटो अब भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहां भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ाते हैं। लड़कियों प्यार करना चार्जर से सीखो, एक दिन मिले बिना फोन से नहीं रह सकता।
साधु, बेटा आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो? साधु, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बच्चा लस्सी ले आया और साधु ने 5 लोटा लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता जो तुम सारी लस्सी मेरे लिए ले आए? बच्चा, पीते तो सब हैं, लेकिन आज सुबह लस्सी में चूहा गिर गया और उसी में मर गया। तो साधु ने गुस्से से लोटा जमीन पर मारा। तभी बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी, इन्होंने हमारा लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट में क्या लेके जाएंगे? एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा, ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बच्चा, पापा मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे होंगे। बचपन में चिड़िया उड़कर खेल खेलते खेलते बीच में कह दिया करते थे, साइकिल उड़, हाथी उड़, हाथ उड़। पता नहीं किसकी जुबान काली थी जो यूपी से तीनों उड़ गए। पत्नी पति से कहती रहती, मेरे सपने पता नहीं कब पूरे होंगे। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय, ससु माँ को क्या हो गया, सुबह तो अच्छी खांसी थी। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है? मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके, प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांगें दिखाई जो गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताओ। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूज गई हैं। डॉक्टर, हा हा हा, भाग साले, तू आया ही यहाँ हंसाने के लिए है। मैं अपने घर आराम से टीवी देख रहा था, फिर अचानक खबर आई, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, सिर में बहुत चोट आई है और वो आईसीयू में भर्ती है। मैं वहाँ गया, उसे होश आते ही मैंने पूछा, हेलमेट क्यों नहीं पहना था? वो बोला, हेलमेट नहीं है मेरे पास। मैंने पूछा, तू तो गया था मार्केट से हेलमेट लेने? वो बोला, गया था पर मोबाइल का कवर ले आया। वो है ना कि मोबाइल ना टूटे चाहे खोपड़ी टूटे। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पर लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा, कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश।